गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. इन प्रीवियस क्लास इन एवियस सब्जेक्ट वी सॉ द लेसन सिक्स अ हाउस इज अ मस्ट पेज 30. आई गिव यू एक्टिविटी टू डू. यू मस्ट हैव काउंटेड द विंडोज ऑफ योर हाउस, द डोर्स ऑफ योर हाउस एंड द रूम्स ऑफ योर हाउस एंड टोल्ड टू योर पेरेंट्स हाउ मच windows are there, how much doors are there, how much rooms are there. Now today we will see kinds of houses. There are different kinds of houses, or in other words we can say houses are of different kinds. Bungalows and apartments are made of bricks, stones and cement. They are generally found in cities and towns. सबसे बड़े घर को बंगलो कहते हैं. यहाँ बंगलो का सीन बना हुआ है, हम लोग बंगलो को देख सकते हैं. और इसके बगल में अपार्टमेंट बना हुआ है. अपार्टमेंट ब्रिक्स से बने होते हैं. ब्रिक्स किसको कहते हैं, कौन बताएगा? ब्रिक्स मीन्स ईंट, स्टोन्स मीन्स पत्थर, सीमेंट मीन्स सीमेंट. दे आर जनरली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स. सिटीज टाउन से छोटे होते हैं, टाउन बहुत बड़े होते हैं. टाउन में हम लोग बंगलोज और अपार्टमेंट्स देखते हैं. क्या तुम लोग कभी अपने गांव गए हो? अगर गांव गए हो तो गांव में इस तरह के घर देखते होगे. हट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ. दीज हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. गांव में झोपड़ी रहती है. अब कुछ पक्का मकान या परमानेंट हाउस भी होने लगे हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर वहाँ झोपड़ी ही देखने के लिए मिलती है. वो स्टोन्स, मड और स्ट्रॉ का बना रहता है. स्टोन मीन्स पत्थर, मड मीन्स मिट्टी और स्ट्रॉ मीन्स फूस. जब हम लोग धार निकाल लेते हैं तो जो फूस बचता है उसे स्ट्रॉ बोलते हैं. वो छप्पर बनाने के काम में आता है. दीज हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. इसी तरह के घर ज़्यादातर विलेजेस में मिलते हैं, गांव में देखने के लिए मिलते हैं. अब आगे हम लोग देखते हैं. सम पीपुल लिव इन अ हाउस मेड ऑफ स्नो, इट इज कॉल्ड एन इग्लू. ये घर जो बना हुआ है इसको इग्लू कहते हैं. ये जहाँ हमेशा बर्फ पड़ता है. ये घर गोलाकार इसलिए है क्योंकि अगर ये फ्लैट रूफ रहेगा तो बर्फ इस पर जमते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा और अंदर में बहुत ठंड पड़ेगा. इसलिए ये गोलाकार है. बर्फ और पानी इस पर ठहरेगा नहीं, वो तुरंत नीचे गिर जाएगा. तो मौसम अंदर में गर्म रहेगा. ये तो हो गया पेज 31 का बात. अब हम लोग पेज 32 देखते हैं. सम हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं. जैसे अगर आप कश्मीर या केरला गए होंगे तो वहाँ हाउस बोट देखे होंगे. हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. वो ऐसा घर होता है जो पानी में तैरता है. नाव पर घर नाव पर बना रहता है और नाव पानी में तैरता है. अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. घर नाव में बना रहता है और नाव पानी में तैरता है और उसमें घर के जितने सामान हैं सब रहते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कर्टन है, यहाँ क्लोथ सूख रहे हैं, ये दरवाजा है, विंडो है, सब कुछ है.
तो एक हाउस दैट मूव्स में हाउस बोट देखे, अब दूसरा देखते हैं, अ कैरावान इज अ हाउस ऑन व्हील्स। कैरावान किसे कहते हैं? वो वैसी गाड़ी जो पहिया पर चलती है, उसमें भी घर होता है, पिलो होता है, कर्टन होता है, डोर होता है, बहुत सारा कपड़ा लेकर के भी चल सकते हैं और उनमें भी पहिया होता है कैरावान में, और पहिया पर ही गाड़ी लगी होती है, टीवी भी है और हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तीसरा जो घर है वो है टेंट। अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑन कैनवस। ये मोटे कपड़े से बना रहता है। आप लोग शादी में गए होंगे, वहाँ पर पंडाल देखे होंगे, पंडाल कैनवस से बना होता है। टेंट ये नेल्स को उखाड़ करके, रस्सी को खोल करके हम लोग दूसरे जगह भी टेंट को लगा सकते हैं, और टेंट एक जगह बहुत दिन तक नहीं रहता, ये भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ हाउसेस है जो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउस बोट, कैरावान एंड टेंट। अब हम लोग पेज 33 देखते हैं। हाउसेस इन वार्म प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स। जहाँ गर्म रहता है मौसम, वहाँ फ्लैट रूफ रहता है, वहाँ कम वर्षा होती है, सूरज भी पड़ता है तो फ्लैट रूफ वहन कर लेता है, और यहाँ बर्फीले जगह पर फ्लैट रूफ नहीं होता है, सिर्फ जहाँ पानी और सूरज होता है वहीं फ्लैट रूफ होता है। हाउसेस इन प्लेसेस विच गेट हैवी रेन्स एंड स्नो हैव स्लोपिंग रूफ्स। ऐसे जगह जहाँ भारी वर्षा होती है और बर्फ गिरते हैं, वैसे जगह पर स्लोपिंग रूफ होता है। स्लोपिंग रूफ को हम ढलान रूफ भी बोल सकते हैं, यह ढलाव होता है, और फ्लैट रूफ को हम लोग समतल रूफ भी कह सकते हैं। फ्लैट रूफ यानी समतल रूफ और स्लोपिंग रूफ यानी ढलान। इस पर बर्फ और पानी नहीं ठहरेंगे, वो नीचे बह जाएंगे, तो रहना संभव है और आसान है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ हाउस पड़े हैं। फर्स्ट बंगलो, सेकंड अपार्टमेंट, थर्ड हट्स, फोर्थ इग्लू, फिफ्थ हाउस बोट, सिक्स्थ कैरावान, सेवेंथ टेंट। आपको ये सेवन हाउसेस का नाम लिखना है, उसका स्पेलिंग याद करना है, और एक हाउस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाउस बोट। हाउस बोट का ड्राइंग बनाना है और उसका नाम लिखना है। थैंक यू।